हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको होली वर्ड से बहुत ही आसान तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, हम आपसे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो दोस्तों आप उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आप जो है पहले एच लेटर लिखिए, ओ एल आई, जैसे हम यहाँ पर लिखें इसी तरह आप लिखिएगा। फिर इसके बाद बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना क्या है, ये जो हमारा H और O के बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है एक छोटी सी लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। एक लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, फिर एक लाइन जस्ट इसी के बगल में यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में एक आप ऐसे V लिख दीजिएगा। V लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा दोस्तों, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाई स्टेप बनाना सिखा देंगे। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें हैप्पी होली ज़रूर विश करिएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो हमारा एच लेटर है इसको हमें जो है सर्कल शेप में करना। देखिए किस तरह करना है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से आप ऐसे ले जाइएगा, फिर ऊपर की तरफ आप ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्कल मिल जाएगा। और इसको हम मार्कर की हेल्प से या पेंसिल की हेल्प से बहुत ही सावधानीपूर्वक ब्लैक कर देंगे। अब आपको जो है इसको ओ के भी जो है ब्लैक करना होगा पेंसिल की हेल्प से या मार्कर की हेल्प से। ब्लैक करने के बाद यहाँ तक अब जो है ये वाला जो हिस्सा है इसको हमें जो है और ऐसे नीचे की तरफ कर देना होगा। ऊपर की तरफ जो है एक छोटा सा जो है हाफ सर्कल बना दीजिएगा। नीचे के साइड में भी आपको ऐसे हाफ सर्कल बनाते हुए फिर उसको हमें ऊपर की तरफ ऐसे मिला देना होगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट कर दीजिएगा, यहाँ तक ऐसे आप मिला दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये मेरी 100% गारंटी है दोस्तों, आपको जो है होली पर भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब इस लाइन को जो है हमें थोड़ा सा और ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना होगा। यहाँ पे भी आपको एल को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना होगा। ऊपर की तरफ ले जाने के बाद यहाँ पे आप जो है छोटा सा ऐसे हाफ सर्कल बना दीजिएगा। हाफ सर्कल बनाने के बाद दोस्तों आप बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा और इस एल वाले पे जाकर मिला दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे भी ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करना है, थोड़ा सा इसको हमें ऐसे आगे की तरफ बढ़ाना होगा, फिर इस लाइन को और ऊपर की तरफ हम बढ़ा देंगे। ऊपर की तरफ बढ़ाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है एक हाफ सर्कल और ड्रॉ करिए और एक हाफ सर्कल आप ऐसे यहाँ पे बना दीजिएगा, तो ये भगवान श्री कृष्ण जी का यहाँ पे आईब्रो बन के तैयार हो जाएगा। फिर एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करिए थोड़ा सा, फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद छोटा सा हाफ सर्कल बनाइए, फिर अंदर की तरफ, फिर हाफ सर्कल बनाते हुए एक छोटा सा हाफ सर्कल इस साइड बना दीजिएगा। अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, ऊपर के साइड में आपको इसको डबल करना है। देखिए कैसे डबल करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ऐसे हाफ सर्कल बनाइए, फिर इसको नीचे की तरफ ले जाइएगा। यहाँ तक ले जाने के बाद इसको थोड़ा सा हमें ऐसे नीचे के साइड में हल्का सा जो है हाफ सर्कल बनाते हुए इसमें एल पे मिला देना होगा। मिलाने के बाद दोस्तों आप बहुत ही सावधानीपूर्वक एक छोटा सा लिप्स बनाइएगा, फिर इसको जो है हमें ऐसे डबल करना होगा। डबल करने के बाद आप छोटे छोटे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पर मोर का पंख भी बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह जो है आप इधर भी एक ऐसे बना दीजिएगा, आप चाहें तो हाफ सर्कल भी बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऐसे करिए, फिर एक बार छोटी छोटी लाइनें आप फिर से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें बिल्कुल बिना घबराए आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा हमें ऐसे अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे इनका फेस बनाते हुए हम ऊपर की तरफ ऐसे हल्का सा वी शेप में देते हुए यहाँ तक ऐसे बढ़ा देंगे और बीच में लाकर छोड़ दीजिएगा। इस एल की हेल्प से हाफ सर्कल बनाइए, फिर अंदर की तरफ करिएगा और यहाँ पे आप ऐसे चाहें तो जो है हल्का सा 3 नंबर भी लिख सकते हैं। एक छोटा से छोटी सी लाइन ड्रा करेंगे, फिर एक सर्कल ड्रा करना है, फिर से एक सर्कल और नीचे की तरफ ड्रा कर दीजिए। फिर आप बहुत ही आसान तरीके से एक लिप्स बना दीजिएगा। लिप्स बनाने के बाद अब देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे छोटा सा हाफ सर्कल बनाना होगा, एक हाफ सर्कल यहाँ पे, जैसे हम चाहें तो उल्टा 3 भी लिख सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा और नीचे के साइड में इनका ऐसे हम लिप बना देंगे। लिप बनाने के बाद अब आपको स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना होगा और इसको हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल भी करना होगा। एक ओवल शेप बनाइएगा, फिर इसके बाद दोस्तों छोटी छोटी यहाँ पे ऐसे हाफ सर्कल बनाने के बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए, इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे और यहाँ पे भी हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद हल्का सा जो है यहाँ पे हाफ सर्कल बनाते हुए इसको डबल करिए। सेम प्रोसेस आप ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ से जो है ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा हमें और ऐसे अंदर की तरफ बढ़ाना होगा। अब यहाँ तक हो जाने के बाद यहाँ पे एक एस लेटर लिखिएगा। अब इस आई की हेल्प से जो है आपको यहाँ पे ऐसे हाफ सर्कल बनाना होगा, फिर इसको हमें नीचे की तरफ यहाँ तक ऐसे ले जाना होगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम और ऊपर की तरफ से कर देंगे, यहाँ पे भी आप ऐसे इसको डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद दोस्तों तो इनका हेयर भी बन के तैयार हो गया है और इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी बढ़ा दीजिएगा।
तो ये हमारे बहुत ही आसान तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र बनके तैयार हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम जो है भगवान श्री कृष्ण जी को पेंसिल की हेल्प से या मार्कर की हेल्प से शेड देना शुरू करते हैं।